नमस्कार दोस्तों, मीना बुटीक में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में एक कुर्ती कमीज सूट की कटिंग करना सीखने वाले हैं बिल्कुल आसान तरीके से। दोस्तों, यहां पर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो नॉर्मली नेक में अगर आप सूट कटिंग करते हैं तो उसका तीरा और जो आर्म होल लेते हैं वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर ही दिक्कत होती है ज़्यादातर लोगों को शोल्डर कटिंग करने में और जो आर्म होल कटिंग करने में। अगर आप नॉर्मली सूट बनाते हैं, बैक नेक अगर नॉर्मली है या आप कॉलर वाला कटिंग कर रहे हैं, तो इन दोनों में ये एक ही फॉर्मूला काम में आता है। छोटा सा वीडियो बनाया, आप पूरा देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें ताकि हम बेहतर वीडियो बना सकें। साथ में बेल का आइकन ज़रूर से दबाइए, घंटे का निशान, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए इसे कटिंग करना सीख लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो इसका मेजरमेंट जान लेते हैं। इसकी टोटल लेंथ 47 इंच है, बस्ट इसका जो है 41 इंच है, कमर इसकी 36 इंच है और इसकी हिप है 43.5 इंच है, शोल्डर इसके 16 इंच है, फ्रंट नेक 8 इंच है, बैक नेक इसका नॉर्मली है और शोल्डर इसके 16 इंच है। ठीक है, बैक पार्ट इसका जो कटिंग करेंगे वो होगा 14 इंच और फ्रंट पार्ट जो होगा इसका 13 इंच। तो किस तरह से इसकी कटिंग करें, तो सबसे पहले तो हमें देखिए, ये जो कपड़ा है मैंने इसे डबल फोल्ड किया इस तरह से और फिर मैंने इसे इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया। ये मेरी 4 लेयर हो चुकी है। अगर आपका प्लेन कपड़ा हो तो इस तरह से आप कपड़े को मैनेज करके बचा करके आप इस तरह भी फोल्ड कर सकते हैं। अगर वर्क कपड़ा है तो उसका मिड सेंटर करके आपको डबल फोल्ड करना पड़ेगा। अब सबसे पहले यहाँ पर गणित लगाएंगे। यहाँ पर पहला निशान आर्म होल का, ये मैं 8.5 इंच पर लगाने वाला हूँ, 8.5 इंच पर मैं लगाने वाला हूँ। मेरा जो बैक का गला है नॉर्मली है। दूसरा निशान यहाँ पर, इसकी लंबाई काफ़ी है तो 15 इंच पे इसका कमर का निशान लगाने वाला हूँ और 22 इंच पर इसका हिप का निशान लगाने वाला हूँ। और यहाँ पर जितनी भी आपकी टोटल लेंथ आए और प्लस उसमें 1.5 इंच आप एक्स्ट्रा रख सकते हैं। ये निशान सबसे पहले हमने को लगाने हैं, उसके बाद में सीधी लाइन खींच लें इनके ऊपर। सीधी लाइन हो गई। यहाँ पर नेक का निशान लगाएंगे। नॉर्मली नेक है तो गले की चौड़ाई भी थोड़ी सी ज़्यादा आएगी, तो मैं यहाँ पर 3 इंच पर एक निशान लगा रहा हूँ। शोल्डर है 16 इंच, तो 16 का ये टोटल 16.5 इंच, 16.5 यानी 8.5 इंच पे मैं एक निशान यहाँ पे लगा रहा हूँ। इसका बस्ट है, चेस्ट है इसका 41 इंच, प्लस उसमें 2 प्लस करेंगे जो बॉडी में आने के लिए रखते हैं, तो ये हमारा चेस्ट हो जाएगा 43 इंच। 43 का 4th पार्ट करेंगे, चौथा हिस्सा, तो 11 चौक 44 यानी कि 11 इंच में, 11 इंच में माइनस पावर 11.5 इंच पे यहाँ पर निशान लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर कमर इसके 36 इंच है, 2 प्लस करेंगे तो 38 हो जाएगी। 38 का 4th पार्ट यहाँ पे लगाएंगे, 9.5। हिप है इसकी 43, हिप 43.5 इंच, इसमें 2 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 45.5 इंच। 45 का 4th पार्ट करेंगे तो ये 11 चौक 44, 11.25 और 1 सूत, ये आ रहा है हमारा इतना। अब यहाँ पर घेर का निशान, इससे ज़्यादा 1 इंच रखते हैं, 2 इंची ज़्यादा बड़ा रख सकते हैं आप, जितना आपको घेर चाहिए उतना रख सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर 12.5 इंच पे निशान लगा लेता हूँ, काफ़ी लॉन्ग कुर्ता है मेरा। अब सबसे पहले इसमें ये निशान सीधा का सीधा यहाँ ड्रॉ करता हूँ। इस निशान को मैं इससे मिलाता हूँ, कमर वाले निशान को यहाँ से मिलाते हैं और ये वाला निशान यहाँ से मिलाते हैं। अगर आप शेप देकर काटना चाहते हैं तो स्केल की सहायता से ए लाइन में आप इसमें इस तरह से इस स्केल को रखेंगे और इस तरह भी आप इसमें मिला सकते हैं। ठीक है, तो वो काफ़ी सेफ वाला आता है, ज़्यादातर आजकल स्ट्रेट ही चल रहे हैं तो ये वाला शेप यहाँ पर नहीं लगाने वाले हैं। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ जो राउंड बस्ट होता है, अपर चेस्ट होता है, उसमें कम से कम 2 इंच का फर्क होता है, तो यहाँ पर जो भी आ रहा है हमें वो का वो ही रखना है और इसी तरह से हम
ये ज़्यादातर यहीं आ जाएगा, तो इसे ज़्यादा नहीं नीचे नहीं रखेंगे, ठीक है। फ्रंट पार्ट मेरा इसका है 13 इंच, तो ये देखिए यहाँ पर मैं एक निशान लगाऊंगा। बैक पार्ट इसका 14 इंच है, तो 14 का ये वाला निशान आ जाएगा। और यहाँ इसे मैं इस तरह से 1.25 इंच के आसपास डाउन करने वाला हूँ, और इस निशान को मैं मिलाऊंगा यहाँ से, ठीक है। और अब इस स्केल की सहायता से इस तरह से ये देखिए यहाँ पर ये मेरा आ रहा है, अभी भी ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ से मैं इसे इस तरह से मिलाऊंगा। ये मेरा बैक पार्ट होगा, और इसी में मैं और डीप करते हुए फ्रंट पार्ट का यूँ ये देखिए यहाँ से मैं इसमें इस तरह से ये यहाँ से काफ़ी डीप कटिंग करूँगा, ताकि यहाँ से इसमें लूज न रहे, झोल न रहे। और इसे फिर से नाप लूँगा तो ये 7 इंच आ रहा, आधा इंच दबने के बाद 13 इंच आ जाएगा। गला बनने पर थोड़ा सा और लूज होता है, इसलिए इसे फिक्स रखने में ही कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारी मार्किंग होती है। नॉर्मली बैक गला अगर होता है तो इस तरह से आप कटिंग करते हैं। कॉलर वाला भी अगर गला होता है, स्टैंड कॉलर, कोई सी भी कॉलर, तो इसी तरह से मार्किंग आता है उसमें भी, फ्रंट बैक में, उसमें छोटा बड़ा यहाँ से कर सकते हैं। उसका भी मेरा वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, ठीक है। ये तो हो गई इसकी मार्किंग, अब इसकी कटिंग करते हैं। सबसे पहले यहाँ से कटिंग करेंगे इसकी, यहाँ से। और ये बैक पार्ट है मेरा, तो इसे करता हूँ यहाँ से, यहाँ पर मार्जिन एक्स्ट्रा रखते हुए कटिंग करेंगे, क्या कि फिक्स मार्किंग लगाया है वहाँ पर हमारी सिलाई आएगी। और यहाँ पर इसमें शेप देते हुए, ये नीचे का मैं दिखा दूँ आपको, यहाँ से इसमें थोड़ा सा राउंड शेप देते हुए इस तरफ से, अन्यथा कोने जो हैं लटकने का चांसेस रहता है, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा शेप लगाते हैं, ठीक है। यहाँ से इसमें एक कुटका लगाएंगे साइड चौक के लिए इस तरह से, और ये वाला यहाँ पर हो जाएगा, और ये वाला इसका मुड्डे का, ये सेंटर का। और इसमें आपको ट्रेसिंग व्हील की सहायता से दूसरी साइड भी आपको सेम निशान ऐसे ही उठा लेने हैं, ताकि आपकी जो है सिलाई लगाने में और बिल्कुल से परफेक्टली रहे, मार्जिन दोबारा करने की ज़रूरत न पड़े, मेजरमेंट करने की, सॉरी। ये इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हमारा लॉन्ग कुर्ता कटिंग हो गया है। अब इसमें फ्रंट वाला पार्ट को अलग करते हैं, इस फ्रंट वाले पार्ट को हमने अलग कर लिया है। अब बैक पार्ट में यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगाएंगे, और 3 इंच का ही इसे डीप करने वाले हैं। यहाँ पर ऐसे निशान लगाएंगे और इसमें गोलाई लगा देंगे, ठीक है, और इसे कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग हो गया बैक पार्ट का, इस बैक पार्ट को कर लेंगे साइड में इस तरह से, और फ्रंट पार्ट को इसको फिर से इस तरह मिलाएंगे, ठीक है, और इसकी डीप कटिंग करेंगे यहाँ से इस तरह से लेते हुए। इस तरह से हम इसकी डीप कटिंग कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से हमारे कुर्ते की कटिंग हो गई। अब इसकी आस्तीन कटिंग और कर लेते हैं। अब इसके आस्तीन कटिंग करेंगे। आस्तीन कटिंग करने के लिए देखिए, ये डबल फोल्ड किया मैंने, ठीक है, इस तरह से इसे, और फिर से इसे इस तरह डबल फोल्ड कर लेते हैं। एक निशान लगाएंगे यहाँ पर,
दूसरा निशान यहाँ पर हमारी स्लीव्स की लंबाई है, टोटल स्लीव्स की लंबाई है 16, तो यहाँ से 16.5 आधा इंच यहाँ दबाव रखते हुए यहाँ पर, ठीक है, और 1 इंची 1.5 इंची यहाँ पर एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए, ये मुड़ाई का हो जाएगा। अब यहाँ से लेंगे 12×36 1200 3.5 इंच पे, ये जो चेस्ट का 12वां हिस्सा करके यहाँ पर निशान लगाते हैं, तो यहाँ पर सीधी लाइन खोल खींच लेते हैं और ये फोल्डिंग की जो आगे वाली मोरी है यहाँ पर, मोरी हमारी है 10 इंची, उसका 1/2, तो 5 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। यहाँ पर जो हमने आर्म होल का जो निशान लगाया है, यहाँ पर सीने का 5वां हिस्सा, वही यहाँ पर निशान लगाना है, तो 8×5=40, तो ये हमारा 8 और 1 सूत यहाँ पे लगाने वाले हैं। यहाँ पर मैंने 8.5 इंच पे लगाया था, ठीक है, ये तो मैंने यहाँ पर 1.25 इंच इसमें सेप दे दिया है, और इसे अगर नापते हैं तो ये 8 और 1 इतना ही आता है हमारा, 8.1 सूत जो हम यहाँ पर लगाने वाले हैं इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से ये लगाते हैं निशान 5वां हिस्सा चेस्ट का, और इसे इससे मिला लेते हैं, और यहाँ पर ये जो निशान पहले वाला था इस निशान से इसे मिला लेंगे, इसका कर लेंगे 1/2, 1/2 इंच अंदर 1/2 इंच बाहर, तो इसे दे देंगे। इसमें भी होता है थोड़ा, यहाँ पर काफ़ी गणित होती है, मगर आप इस तरह से सीधा शेप लगाएं, ये इस तरह से, ये वाला शेप आगे वाली लाइन से इस तरह से आप लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, और इसकी कटिंग कर लें, ये आगे की फोल्डिंग छोड़ते हुए यहाँ से, और यहाँ पर इसमें परफेक्टली शेप लगाते हुए जितना मार्जिन अपना जो कुर्ता है सूट है उसमें छोड़ा है, उतना ही मार्जिन इसमें छोड़ना है अपने को, और यहाँ पर इसमें फोल्डिंग का निशान, ये आर्म होल का निशान, और थोड़ा सा इसमें मैं हमेशा बैक साइड से लेता हूँ पाव भर, ये यहाँ से ये शोल्डर का जो पॉइंट होता है, शोल्डर का निशान ऊपर जॉइंट वहाँ पर मिलना चाहिए, ठीक है, और इसे कर लेते हैं सीधा इस तरह से, और फिर से इसे, ये बैक पार्ट हो गया हमारा, और ये हो जाएगा हमारा फ्रंट पार्ट। इसमें हम यहाँ से इस तरह से शेप लगाएंगे, ये जो 1/2 इंच अंदर लिया था यहाँ से इस तरह से लगाते हुए मार्किंग करना है, और इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे, और इसमें भी एक कुटका और लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा फ्रंट पार्ट। ये देखिए इस तरह से हमारा जो है स्लीव्स भी कटिंग हो जाती है। तो इस तरह से आप एक नॉर्मली सूट या कमीज का जो बैक पार्ट गला होता है उसके शोल्डर और आर्म होल तीरा या आर्म होल कह लीजिए किस तरह से कटिंग कर सकते हैं, यही फॉर्मूला है। आप छोटी साइज से लेकर बड़ी साइज तक का इसी तरह से कटिंग कर सकते हैं, कॉलर के साथ भी इसी तरह कटिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये छोटी सी वीडियो मेरा आपको बहुत पसंद आया होगा, लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूँगा आपसे नए इन्फॉर्मेशन नए वीडियो के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहें, धन्यवाद।